ना लेटस मूव ऑन टू री ऑफ पार्टनरशिप कई बार पार्टनरशिप में हम नए पार्टनर को एंटर करते हैं या हमारे पुराने पार्टनर रिटायर हो जाते हैं तो वेन एवर देयर इज एनी चेंज बिकॉज ऑफ एंट्री और एग्जिट और बिकॉज ऑफ सम नॉर्मल बिजनेस प्लान इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी कॉल इट एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सो देर आर फाइव केसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट केस इज लेते हैं सेकेंड केस इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मीन्स वेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म तो नया पार्टनर आएगा उसको भी प्रॉफिट से हिस्सेदारी चाहिए होगी फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल के साथ क्या होगा? Retirement of a partner. जब कोई पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो जाता है फोर्थ केस डेथ ऑफ ए पार्टनर किसी पार्टनर की अचानक डेथ हो जाए तो फिर पार्टनरशिप क्या करेगी उस केस में फिफ्थ केसेस अमलगाशन ऑफ टू फॉर्म्स जब दो फॉर्म्स अमलगा उस केस में पार्टनरशिप की पोजिशन क्या रहती है पार्टनर so जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है पहली बात तो यह है कि नया पार्टनर बिजनेस में आता ही क्यों है देर आर सम्पेसिफिक रीजन न्यू पार्टनर कैन बी एडिट टू एनहांस द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस क्योंकि दो पार्टनर्स ने ऑलरेडी अपनी पूंजी लगा दी होती है और पैसा चाहिए तो वो नए पार्टनर को बीच में डाल सकते हैं नया पार्टनर कैपिटल लेके आ सकता है या फिर नया पार्टनर अपना कोई मैनेजीरियल स्किल या कैपेसिटी लेकर बिजनेस में आ सकता है जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में नहीं होती है और हम बिजनेस का साइज डिवेल्प करने की कोशिश करें जिस एरिया में हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़े एरिया में हमें ऑपरेट करना है ज्यादा लार्ज स्केल का बिजनेस हमें करना है इसलिए हम नए पार्टनर को एंट्री देते हैं या फिर नया पार्टनर ऐसा है जिसकी रेपुटेशन बहुत है मार्केट में तो उस पार्टनर को अगर हम अपना पार्टनर बना ले उस पर्सन को अगर हम अपना पार्टनर बना ले तो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ सकती है सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी अलाउ द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर्स एंटर इन टू अ पार्टनरशिप फर्म देन वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो goodwill and its treatment in accounts revaluation of the assets and liabilities of the firm adjustment regarding accumulated losses and adjustment of capital accounts of the old partners so that whenever new partner enters into the firm our business can be started as a fresh first of all we will follow the first step that is calculation of new profit sharing ratio इसके लिए दो चीजें हमें देखना जरूरी होता है पहली बात कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है दूसरी बात कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितनी है तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जितना प्रॉफिट का हिस्सा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया फोरगो किया न्यू पार्टनर की एंट्री के लिए उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड इट इज कैलकुलेटेड एज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो

इफ द न्यू पार्टनर परचेजेज हेज अ शेयर फ्रॉम द अदर पार्टनर्स इन सर्टन रेशियो देन द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग द प्रपोर्शन विच ही सरेंडर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर में से जितना पोर्शन वो सरेंडर कर दे उसको डिडक्ट करके हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है थर्ड केस इफ द ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स द फ्रैक्शन ऑफ इज शेयर देन What has been surrendered will be deducted from the old partner share to find the new ratio. Now, let us take few examples to understand all these three cases. Case 1 If the share of new partner is stated, it means the old partner will continue to share in the old profit sharing ratio. For an example, X and Y are partners sharing profit and ratio. is to two, they admit Z and gave him one sixth share in the profits. Now you are required to find future and sacrifice ratio. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर रेशियो इसके लिए आप ये देखिए कि Z को दिया कितना Z को दिया वन सिक्स शेयर तो इसका मतलब बाकी शेयर कितना बचा रिमेनिंग शेयर विल बी कैल्कुलेटेड एज वन वन बीग द होल शेयर वाने में से वन बाय सिक्स हिस्सा निकाल दो तो आपके पास बचा फाइव अपना हिस्सा ले लिया यानी कि x को मिलेगा थ्री अपॉन फाइव ऑफ फाइव अपॉइंट सिक्स मतलब थ्री अपॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव अपॉइंट सिक्स मीन अपॉन थर्टी और थ्री अपॉइन सिक्स इसी तरीके से y को क्या मिलेगा y को मिलेगा टू अपॉन फाइव ऑफ फाइव अपॉन सिक्स यानी के टेन अपॉन थर्टी और टू अपॉन सिक्स मीन्स हमारे पास अब नई रेशियो क्या आती है x इज टू वाई इज टू जेड यानी x का आया था थ्री अपॉन सिक्स y का आया था टू अपॉन सिक्स और z का आया था वन अपॉन सिक्स मींस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी थ्री इज टू टू इज टू वन द सेकेंड क्वेश्चन इज टू फाइंड से

थर्टी सिमिलरली y का ओल्ड रेशियो था टू 5 और न्यू रेशियो था टू अपॉइंट सिक्स को old ratio में से अगर हम less कर दे, तो y का आता है answer, 2 upon 30. It means sacrificing ratio क्या हो गई सिर्फ ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे यानी के x इज टू वाई एंड रेशियो इज थ्री अपॉइट थर्टी इज टू टू अपॉन थर्टी मीन्स थ्री अपॉन टू केस टू If the new partner purchases his share from the other partners in certain ratio, then the share of the old partners will be calculated by deducting the proportion which he surrenders in favour of new partner. For example, X and Y are partners sharing the profits in the ratio of three is to two. They admit Z. X gave one fourth of his share and Y gave two fifth of his share. नो यू आर रिक्वायर टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इसमें सबसे पहले हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो एज वी हैव डिस्कस्ड इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अब देखिए एक्स की पुरानी रेशियो थी थ्री अपॉन फाइव एंड वाई की पुरानी रेशियो थी टू अपॉइंट फाइव एक्स ने दिया वन अपॉइट फोर ऑफिशियर और वाई ने दिया टू अपॉइंट फाइव ऑफिस पहले एक्स के सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालते हैं तो उसके पास जो उसने सेक्रीफाइस किया वो क्या आया थ्री अपॉन ट्वेंटी और इसी तरीके से y ने क्या सेक्रीफाइस किया y ने सेक्रीफाइस किया टू अपॉइट फाइव शेयर तो उसका शेयर क्या था टू अपॉइंट फाइव उसका टू अपॉइंट फाइव उसने दे दिया यानी कि फोर अपॉइंट ट्वेंटी फाइव उसने दे दिया तो इसका मतलब अगर हमने न्यू रेशियो निकालनी है तो x की न्यू रेशियो क्या बनेगी थ्री अपॉइंट फाइव जो उसकी ओरिजिनल रेशियो है माइनस थ्री अपॉइंट ट्वेंटी जो उसने सेक्रीफाइस किया तो x की न्यू रेशियो आ जाती है नाइन अपॉइंट इसी तरीके से y की देखिए 2/5 उसकी ओरिजिनल रेशियो है माइनस किया उसने 4/25 एज़ अ सैक्रिफाइस तो इसका मतलब वाई की न्यू रेशियो क्या आ गई 6/25 नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ जेड, z को क्या मिला z को मिला 3/20 ऑफ x का शेयर एंड 4/25 ऑफ y तो z का टोटल हो गया 31/100 इट मींस द न्यू रेशियो इज इक्वल टू